शुदा। कांग्रेस की सरकार आई तो तब से ही पूरे कर्नाटका में जब एक महिला को बस से यात्रा करनी पड़ती है तो उसको बस यात्रा मुफ्त में मिलती है। अब चाहते हैं कि तेलंगाना में भी हम ये काम करेंगे। दूसरी हमारी गारंटी रायतू भरोसा, किसानों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे, कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना, और धान पर 500 रुपए पर प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। तीसरी गारंटी गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, और ये बहुत जरूरी है भाई और बहनों, आपको 24 घंटे आपको बिजली हम दिलवाएंगे, मतलब 24 घंटे आपके घरों में बिजली आएगी। इंदिरा अम्मा इंदलू स्कीम, जिससे भर घर बनाने के लिए आपको मुफ्त जमीन मिलेगी, मतलब जब आप घर बनाना चाहेंगे आपको जमीन फ्री मिलेगी, और 5 लाख रुपए की आपको मदद मिलेगी सरकार से। राज्य आरोग्य श्री आपको मिलेगा, जो बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह आपको पेंशन मिलेगा इसके तहत, तो जो बुजुर्ग हैं उनको घबराहट नहीं होनी चाहिए, हर महीने उनको थोड़ा थोड़ा 4,000 रुपए मिलेंगे पैसे, ताकि वो अपना गुजारा कर पाए, और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। जहां कांग्रेस के प्रदेश है बहनों और भाइयों, जहां कांग्रेस के प्रदेश है वहां आज 10 से 25 लाख का इलाज फ्री में मिलता है। राजस्थान में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट का ऑपरेशन जिन्होंने करवाया, पूरे पैसे सरकार ने दिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। युवा विकासन स्कीम बनेगी, वो घोषणा ये है कि छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी, और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनेंगे। हमने ये काम कई प्रदेशों में किया है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आज कांग्रेस की सरकार ने ये काम कर लिया है, और हर जिले में इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल लेवल के पाठशाला बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम बनाना चाहते हैं। अम्बेडकर अभय अस्तम स्कीम के जरिए हम एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए दिलवाना चाहते हैं। बंद हो गया था। देखिए, कांग्रेस की जो बुनियाद है वो गांधी जी ने डाली। गांधी जी कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, जब तक गांव के लोग सशक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी के बाद जितने भी कांग्रेस के नेता आए सबने प्रयास किया कि आप मजबूत बने, आपकी तरक्की हो। इंदिरा अम्मा की मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कितने सच्चे दिल से आपके लिए उन्होंने काम किया। बचपन से हमें उन्होंने यही सिखाया कि जब सरकार बनती है, सरकार को सत्ता मिलती है, तो सत्ता का मतलब ये नहीं है कि अपने आप फूलों फलों और लोगों को भूल जाओ। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक होता है, जनता में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब सत्ता मिलती है तब जनता के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है, और जनता को हम के प्रति हम जवाबदेह होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तेलंगाना में जो 10 सालों से सरकार रही है वो अपनी जवाबदेही भूल गई है, अपनी ड्यूटी भूल गई है आपके प्रति। वो जितना भी काम कर रहे हैं आपसे लेने के लिए, आपको देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ आकर, खासतौर से आज के दिन जबकि इंदिरा जी का जन्मदिन है, मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहती, मैं आपकी जागरूकता मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नेता हूँ, चाहे बीआरएस के
हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के न हो, आप उनको जवाबदेह बनाए। जवाबदेही का क्या मतलब है कि आप सवाल उठाएं, आप उनसे पूछें कि हमारे लिए क्या किया है तुमने और हमारे लिए क्या करोगे। ये बहुत ही जरूरी है। आज केसीआर जी आपके सामने आते हैं और कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की क्यों बात करते हैं? जब हम ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां हमारी सरकार है, मान लो हम छत्तीसगढ़ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो घर से वहां मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि देखो बहनों और भाइयों, 5 सालों में हमारी सरकार ने आपके लिए कितना काम किया। हम कहते हैं देखो हमने काम किया, इस काम के आधार पर वोट दो। केसीआर जी आते हैं कहते हैं कि कर्नाटका में ये हो रहा है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। आपके सामने ये क्यों नहीं कहते कि देखो भाई और बहनों, हमने 10 सालों में तेलंगाना की कितनी तरक्की की है, उस तरक्की के आधार पर हमें वोट दो। क्योंकि कह नहीं सकते बहनों और भाइयों, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सच्चाई से, सच्चे दिल से काम नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपकी जागरूकता मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ कि आप सवाल उठाएं। आज जो घोषणाएं मैं करके जा रही हूँ, अगर हमारी सरकार आती है और अगर 5 सालों में हमारी सरकार ने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया, तो आप हमें भी जवाबदेह बनाओ, आप हमें भी बदल डालो। लेकिन आज आपका प्रदेश एक ऐसी मोड़ पे आ चुका है, ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इसी खाई में और 5 साल रहेंगे, जिस खाई में आज है। आप यही तमाशा देखते चले आएंगे कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, और असलियत में धरातल पे सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की बात हो रही है। इस तमाशे को आप बंद कर दीजिए। बहुत देख लिया है आपने, बहुत सुन लिया है। अब आपको चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे। इसीलिए जागरूक बन के, सोच समझ के अपने अनुभव को देखो। 10 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, बताओ मुझे। हुई है, विकास हुई है, विकास हुआ है, रोजगार मिले हैं, नई नई पाठशाला स्कूल बने हैं। मेरी बहने आप आगे बढ़ी हो, किसान की सहायता हुई है। जो कांग्रेस का विजन है, जो रोड मैप है आपके प्रदेश के लिए, वो कांग्रेस के नेता आपको बनाकर, आपको काम करके दिखा पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए।